हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 2:02 बजे, मैं सोया हुआ हूँ और मेरे अगल बगल में अभी बहुत ही ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और मैं तीसरे वाले सीट पे बैठा हुआ हूँ, जो कि मैं बैठा हुआ हूँ तो नहीं बट लेटा हुआ हूँ। और अभी ये देखिए, ये ट्रेन के बाहर का कुछ इस प्रकार से नज़ारा है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और ये ट्रेन के अंदर मैं नीचे आ गया और नीचे में वो मेरा ऊपर वाला सीट और दूसरे का सीट। ये एसी थर्ड है, इसीलिए थर्ड एसी में 6 सीट होते हैं और एक साइड में होते हैं। और वो एसी लगा हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ रहता है यहाँ पर। और ये बाहर जाने का दरवाज़ा था और अभी वो एसी लगा हुआ है। और यहाँ भी सभी लोग सोए हुए हैं और ये ट्रेन के बाहर का कुछ इस प्रकार से नज़ारा है, जो कि बहुत ही अच्छा से अच्छा लुक दे रहा है। तो हमें गुजरात पहुँचते कल के 12 से 1 बज जाएंगे दोपहर का। तो तब तक के लिए ट्रेन में बैठे रहेंगे और अगला तीसरा मेरा जो तीसरा दिन होएगा ट्रेन में, उसका भी ब्लॉग आएगा। और ट्रेन से उतर के गुजरात पहुँचेंगे, उसका भी ब्लॉग आएगा। तो आप बिंदास मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे ब्लॉग, मेरे हर एक ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है इधर। अभी ट्रेन धीरे हो चुका है क्योंकि एक स्टेशन पे अभी रुकने वाला है, जो कि यह स्टेशन अभी आ चुका है। स्टेशन में अभी ट्रेन रुकेगी शायद से। हाँ गाइस, ट्रेन रुकेगी। ये स्टेशन है, एक मिनट पे, ये स्टेशन है गारपोस। गारपोस स्टेशन है और गारपोस स्टेशन में हमारा ट्रेन रुक गई है। तो यहाँ पर रुक गई है हमारा ट्रेन। तो अभी चलते हैं ट्रेन के बाहर, देखते हैं रुका हुआ। ये कुछ इस प्रकार से इसके बाहर का नज़ारा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। गारपोस स्टेशन, यहाँ एक मिरर लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, यहाँ मैं दिख रहा हूँ। और यहाँ से अंदर जाने का, इसको ऐसे साइड करना है, अंदर जाना है और फिर इसे छोड़ देना है। और अब यहाँ गारपोस स्टेशन से हमारा ट्रेन निकलने लगा है, जो कि बहुत ही स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है। तो अभी हम अभी ऊपर आके सो चुके हैं अपने सीट पे। यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ एक ब्रिज आया है, जो कि ब्रिज के ऊपर हमारा ट्रेन चल रहा है। हम ट्रेन के ऊपर चढ़ के चल रहे हैं। ट्रेन का आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा है बट ट्रेन में सफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा नदी है, जो कि बहुत ही चौड़ा है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक का चौड़ा है। इस ब्रिज को पार करते करते लगभग 15 से 20 मिनट लग गया, क्योंकि ब्रिज के ऊपर हमारी ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। फिर से एक जंगल टाइप में आ चुका है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा हरा भरा है। ये नज़ारा है छत्तीसगढ़ का। तो अभी हम छत्तीसगढ़ में हैं। एक और ब्रिज आया, जो कि ये भी लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक का था। था नहीं, है, 3 से 4 किलोमीटर तक का है। ये ब्रिज भी बहुत ही अच्छा है।
आज का ब्लॉग हम यहीं करते हैं एंड। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल ओम सत्या ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट ये सब तो करना भूलिएगा ही मत, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले ब्लॉग में, नहीं मिलते हैं कल, तब तक के लिए।